हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर गर्ल अवनी यादव एंड वेलकम बैक टू लीगल एड। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंस्टीट्यूशंस के बारे में, मतलब इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, इंस्टीट्यूशंस से रिलेटेड सारी डेफिनेशंस, और उसके बाद देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स कि इंस्टीट्यूशंस के फीचर्स क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मीनिंग, फर्स्ट इज़ मीनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, मतलब इंस्टीट्यूशंस क्या है। एन इंस्टीट्यूशन इज़ अ ग्रुप और अ सोशल स्ट्रक्चर इन विच पीपल कोऑपरेट ईच अदर। एक इंस्टीट्यूशन एक ऐसा सामाजिक स्ट्रक्चर है जिसमें लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। इंस्टीट्यूशंस आर परमानेंट इन नेचर। जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो नेचर में परमानेंट होते हैं, मतलब अगर इंस्टीट्यूशंस में से कोई एक इंसान चला जाए तो इंस्टीट्यूशंस ख़त्म नहीं होते। और एक और चीज़, इंस्टीट्यूशंस में हमेशा रूल्स और रेगुलेशंस प्रेजेंट होते हैं। अब देखते हैं डेफिनेशंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस, मतलब इंस्टीट्यूशंस से रिलेटेड सोशियोलॉजिस्ट का क्या कहना है। फर्स्ट इज़ मैकाइवर एंड पेज। According to him, institutions are the system of rules and regulations which fulfill the basic need of human beings. मैकाइवर और पेज के अकॉर्डिंग इंस्टीट्यूशन रूल्स और रेगुलेशंस का, मतलब जो नियम होते हैं उनका एक सिस्टम होता है जो कि ह्यूमन बींग्स की बेसिक नीड्स को पूरा करते हैं। सेकेंड इज जिन्सबर्ग। इंस्टीट्यूशंस आर दोज इस्टेब्लिश्ड यूसेजेस दैट गवर्न द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स। जिन्सबर्ग के अकॉर्डिंग इंस्टीट्यूशंस एक ऐसे इस्टेब्लिश्ड यूसेजेस होते हैं, ऐसा सिस्टम होता है जो कि इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स के बीच में जो रिश्ते होते हैं, जो रिलेशनशिप होती है, उसको गवर्न करता है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस, मतलब इंस्टीट्यूशंस के फीचर्स क्या होते हैं, ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जो इंस्टीट्यूशंस में प्रेजेंट होनी चाहिए। फर्स्ट इज इंस्टीट्यूशंस हैव सिम्बल्स, मतलब जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके पास सिम्बल्स होते हैं। फॉर इंस्टेंस द सिम्बल ऑफ अ फैमिली आर चिल्ड्रन। सारे इंस्टीट्यूशंस में सिम्बल प्रेजेंट होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, फैमिली क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन है, तो फैमिली के सिम्बल्स क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन, वेडिंग रिंग, मंगलसूत्र। तो ये सारे, मतलब जो बच्चे होते हैं वो एक फैमिली का सिंबल होते हैं। एंड सिंबल्स ऑफ एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कैन बी स्टूडेंट, डिप्लोमा एक्सेट्रा। और अगर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है तो उसका सिंबल क्या हो जाएगा, उसके स्टूडेंट हो जाएंगे, उसके डिप्लोमा, मतलब जो डिग्रीज वहाँ पे उस इंस्टीट्यूशंस में दी जाती हैं वो हो जाएंगी। सेकेंड इज परमानेंट। इंस्टीट्यूशंस आर परमानेंट इन नेचर वैन वी कंपेयर दैम विद ह्यूमन बींग्स, एज ह्यूमन डाइज बट इंस्टीट्यूशंस सर्वाइव। जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो नेचर में परमानेंट होते हैं, मतलब इंस्टीट्यूशंस हमेशा प्रेजेंट होंगे चाहे ह्यूमन बींग्स रहें या ना रहें। देखा जाए अगर ह्यूमन बींग्स के साथ उसको कंपेयर किया जाए तो जो ह्यूमंस होते हैं, इंसान होते हैं, वो मर जाते हैं, लेकिन जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो तब भी प्रेजेंट होते हैं। थर्ड इज रूल्स एंड रेगुलेशंस। इन एन इंस्टीट्यूशन द रूल्स एंड रेगुलेशंस मे बी ओरल और रिटन। मैंने बताया था ना कि इंस्टीट्यूशंस में रूल्स और रेगुलेशंस हमेशा प्रेजेंट होंगे, और जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन के, जो नियम होते हैं वो ओरल, मतलब लिखे हुए भी हो सकते हैं और रिटन भी हो सकते हैं। ओरल, सॉरी, मतलब बोले भी जा सकते हैं, जो सिर्फ पता होंगे, कहीं लिखे हुए नहीं होंगे, और रिटन में भी हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस आर ओरल। किसी भी इंस्टीट्यूशन में अगर कोई कस्टम और ट्रेडिशंस, मतलब वहाँ की कोई परंपरा और कल्चर है, तो वो तो ओरल होंगे। और जैसे कि एक्ट और लॉज है, मतलब जो कानून है वो कोडिफाइड है, तो वो क्या हो जाएगा, ये रिटन हो जाएगा। फोर्थ इज मोर देन वन ऑब्जेक्टिव, मतलब जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, इंस्टीट्यूशन के एक से ज़्यादा पर्पज़ होते हैं। जो एसोसिएशंस थे, अगर एसोसिएशंस को हम देखें तो उसमें बस एक पर्पज़ था और उसी के लिए उसको बनाया जाता था, लेकिन जो इंस्टीट्यूशन है उसके एक से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जैसे कि एन इंस्टीट्यूशंस हैव मोर देन वन ऑब्जेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फैमिली इज़ अपब्रिंगिंग ऑफ अ चाइल्ड, सोशलाइजेशन, सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन एक्सेट्रा। मतलब अगर एक फैमिली का एग्जाम्पल लें तो एक फैमिली का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, बच्चे की अपब्रिंगिंग, मतलब बच्चे को एजुकेट करना, उसको प्रॉपर खाना देना, उसको अच्छे संस्कार देना, सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन, मतलब सेक्सुअल नीड्स को पूरा करना। फिफ्थ इज फुलफिल बेसिक नीड्स, मतलब जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो ह्यूमंस की बेसिक नीड्स को पूरा करते हैं। इंस्टीट्यूशंस आर एन इफेक्टिव एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल। जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो सोशल कंट्रोल की एक इफेक्टिव एजेंसी हैं। इंस्टीट्यूशंस आर नॉट प्री प्लान्ड बट डेवलप स्पॉन्टेनियसली एज पर नीड्स ऑफ सोसाइटी। जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये प्री प्लान्ड नहीं होते, ये पहले से ही नेचर में प्रेजेंट होते हैं,
और सोसाइटी के नीड्स के अकॉर्डिंग होते हैं, मतलब सोसाइटी की जितनी नीड्स होती हैं उनको फुलफ़िल करते हैं। सो होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, और इसी के साथ हमारा वीडियो ख़त्म होता है। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको सेम वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, यूज़र नेम नीचे डिस्क्रिप्शन में है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।